धर्म को लेकर एक विवाद बीएचयू में भी दिल्ली में चल रहा है। छात्र यहां पर दो गुटों में बट गए हैं, एक गुट बीएचयू में आयोजित हुई इफ्तार पार्टी को गंगा जमनी तहजीब बता रहा है तो दूसरा ये कह रहा है कि ये ठीक नहीं हुआ है। वहीं देखिए इसका विरोध करने में कई लोग जुटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ छात्रों ने तो इफ्तार पार्टी में जाने की वजह से बीएचयू के जो कुलपति हैं उनका पुतला भी फूंका और ये कहा कि ये कोई परंपरा नहीं है, इससे पहले इफ्तार पार्टी नहीं होती थी, बकायदा पत्रकारों को इन्विटेशन भेजकर इसे राजनीतिक रूप दिया गया। ये दो तस्वीरें बीएचयू की हैं। पहली तस्वीर में बीएचयू में आयोजित हुई इफ्तार पार्टी की है जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं जो अपने ही वीसी के खिलाफ मैदान में हैं। इफ्तार का जवाब हनुमान चालीसा से दे रहे हैं। ये गुस्सा, ये आक्रोश, ये विरोध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सुधीर कुमार जैन के खिलाफ है। विरोध कर रहे छात्रों का आरोप है कि पहली बार काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और न ही इफ्तार पार्टी की कोई प्रथा रही है। बीएचयू प्रशासन का कहना था कि ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी यहाँ होते हैं। 11 साल से तो मैं यहाँ हूँ, जितने साल से पीआरओ जी, पीआरओ नहीं उससे ज्यादा तो हम लोग यहाँ, उससे ज्यादा समय से हम लोग यहाँ के स्टूडेंट, मेरा बीए, एमए, एमफिल और अब पीएचडी चल रही है, 11 साल हो गए इस विश्वविद्यालय कैंपस में। हमने तो नहीं पता चला, किसी भी विश्वविद्यालय के किसी छात्र को नहीं पता है, विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक के बारे में इस परंपरा को नहीं पता, सिर्फ एक पीआरओ साहब है जिनको उस परंपरा के बारे में पता है, गजब की परंपरा है, ना कोई उनके पास साक्ष्य है। बीएचयू के आधिकारिक निमंत्रण पर महिला महाविद्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में कुलपति सुधीर जैन समेत विश्वविद्यालय के दूसरे अफसर भी मौजूद रहे। तस्वीरें सामने आई तो विरोध शुरू हो गया। इफ्तार पार्टी में शामिल होना हमारी गंगा जमुना तहजीब का एक हिस्सा रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी रहे हों या चीफ मिनिस्टर रहे हों, किसी भी पार्टी के रहे हों, सभी लोग इस तरह के माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए सम्मिलित होते रहे। अगर कोई हॉस्टल इसको आयोजित करता है और उसमें किसी को निमंत्रण किया जाता है तो उसमें सामंजस्य बढ़ाने के लिए उसमें निमंत्रित होकर जाना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है। वैसे बीएचयू में ऐसा विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार कुलपति सवालों के घेरे में हैं। उन पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप लग रहे हैं और ये वही कुलपति हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है, इसलिए कुलपति का इफ्तार पार्टी में जाना और छात्रों का विरोध में उतरना हैरानी का विषय है। वाराणसी से ब्रजेश कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।